हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्डिंग एस्टीमेशन। और यहाँ पर हम ब्रिक वर्क फॉर द सुपर स्ट्रक्चर उसकी क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें नोटिस करनी है कि पिछले वीडियो में हमने सभी वर्टिकल्स जो वॉल्स थी उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर दी है। अब हम सब हॉरिजॉन्टल वॉल्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि यहाँ पर हमने आउट टू आउट ये लेंथ ली थी। सो अब ये जो वॉल है उसमें हम इन टू इन क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिस तरीके से हमने कॉलम फॉर द सुपर स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था कि वर्टिकल आउट टू आउट एंड हॉरिजॉन्टल इन टू इन, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हॉरिजॉन्टल को हम इन टू इन फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास लेंथ है 7.35 और यहाँ पर डिडक्शन है एक कॉलम का। ओके, सो सबसे पहले एक्सेल में जाते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ नंबर 6 वॉल्स ऑन ग्रिड 1। सो नंबर 1 लेंथ उसकी है 7.35 और उसकी जो विड्थ है वो है 0.225 और हाइट 2.75। डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम, एक डिडक्शन होगा 225 बाय 225 का कॉलम, उसकी हाइट 2.775। अभी नेक्स्ट जो है वो है ऑन ग्रिड बी। ऑन ग्रिड बी में ग्रिड नंबर 2 में लेंथ सेम ही रहेगी आपकी और D4 का 2 है और विंडो का भी है। सो मैं सबसे पहले ये दोनों लाइन को कॉपी कर देता हूँ। 7 ग्रिड्स ऑन वॉल्स नंबर वॉल्स ऑन ग्रिड 2, लेंथ विल बी सेम, डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ D4 कहीं पर भी, यस हमारा D4 है ऑलरेडी। सो D4 यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ -2 और नेक्स्ट है W3। सो W3 नाउ W3 की क्वांटिटी और साइजेस, सो W3 0.9 बाय 1.2, सो 0.9, 0.225, 1.2 और -1 उसकी क्वांटिटी। अभी जो नेक्स्ट वॉल है, सो ऑन द ग्रेड 2 D4 का सब्ट्रैक्शन है -2, W3 का भी सब्ट्रैक्शन है और कॉलम भी है, यस सो कॉलम भी है, तो कॉलम में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, सो ऑन ग्रेड 2 में 3 सब्ट्रैक्शन है। अभी ग्रेड 3, सो वॉल्स ऑन ग्रेड 3 8 नंबर, सो लेंथ विल बी सेम और D3 का डिडक्शन है, सो डिडक्शन और D3 के कितने हैं डिडक्शन, -2, सो -2 यहाँ पर आ जाएगा। अभी सिमिलरली उसी तरीके से कॉलम का भी है डिडक्शन, सो यहाँ पर मैं कॉलम भी ऐड कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो है इन बिटवीन ग्रिड 3 एंड 4 एंड इन बिटवीन ग्रिड B और C। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 और 4 के बीच में ये हॉरिजॉन्टल वॉल है और B और C के बीच में है। सो ये लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ। नंबर 9 इन बिटवीन 3 एंड 4, सो 3 एंड 4 एंड B और C, सो ये ओरिजिनल वॉल है जहाँ पर कुछ भी हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 1.8 मीटर है उसकी लेंथ, सो ये सबको मैं कॉपी कर देता हूँ। लेंथ विल बी 1.8 मीटर। अभी नेक्स्ट जो है वो इन बिटवीन, अभी ये दो ओरिजिनल वॉल है राइट, सो इन बिटवीन 3 एंड 5 एंड ऑन द ग्रिड ए इन बिटवीन A और B, तो यही लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ। 3 एंड 5
एंड बी। यहां पर मैं क्वांटिटी को राइट डाउन करूंगा टू नंबर, बिकॉज अब हम दो क्वांटिटी एक साथ में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो वॉल है 3.6 मीटर की है, सो 3.6, ओके। और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सिर्फ W1 का, सो डिडक्शन होगा हमारे पास W1, सो W1 आई विल बी टाइप, डिडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ माइनस वन, और W1 हमारी साइज है 1.5 बाय 1.2, सो 1.5.225 1.2। सिमिलरली लेट मी एड और इंसर्ट फ्यू मोर रोज। ओके, सो 3 एंड 5 और ये वॉल की हो गई। अब ये वॉल की हमें फाइंड आउट करनी है, राइट, सो दैट वन ऑन द ग्रिड 4। ओके, यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल वॉल है ऑन द ग्रिड 4, सो ऑन ग्रिड 4 उसकी जो लेंथ है वो है 3.525, सो 3.525 और विड्थ और हाइट उसकी सेम होने वाली है। और डिडक्शन में क्या है, डिडक्शन में डी टू और डब्ल्यू टू है, सो डिडक्शन डी टू डब्ल्यू टू। ओके, सो डी टू की यहाँ पे सबसे पहले -1 -1, डी टू की क्वांटिटी क्या है, डी टू की क्वांटिटी है 1.2 बाय 2.1, सो 1.2 और डब्ल्यू टू की क्वांटिटी है 1.2 बाय 1.2, सो 1.2 बाय 1.2 और ये 0.225 सब जगह पे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली डी टू डब्ल्यू टू को ऐड करने के बाद अभी जो है वो है वॉल्स ऑन द ग्रिड 5, लेकिन ये जो वॉल है फ्रंट वॉल है उसका अगर आप एलिवेशन देखोगे तो ये उसका एलिवेशन है फ्रंट एलिवेशन, तो वहां पे उसकी हाइट जो है वो कम है, तो ये हाइट है 1.5 मीटर। ओके, सो वो चीज हमें कंसीडर करनी है और लेंथ उसकी सेम ही रहेगी इन टू इन और लेंथ उसकी है 7.350, लेकिन हाइट यहां पे चेंज होगी, सो वॉल्स ऑन ग्रिड 5 और वन नंबर उसकी जो लेंथ है 7.35, उसकी जो हाइट होगी वो है 1.5, तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो ये हाइट है 1.5, सो आई विल बी चेंज 1.5 मीटर हाइट। अभी डिडक्शन डिडक्शन में क्या होगा, डिडक्शन में होगा एक कॉलम और एक मेन डोर, सो कॉलम का तो हमारे पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन है ही, सो उसको हम कॉपी कर देते हैं, लेकिन कॉलम में यहां पर हम हाइट लेंगे सेम एज हाइट ऑफ वॉल, सो दैट इज 1.5 मीटर। और डोर D1 मेन डोर है D1, सो 3 मीटर का है, सो -1 और 3 मीटर उसकी लेंथ है, सो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई है 45.75 क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क ऑन सुपर स्ट्रक्चर। और सभी डिडक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ओके, सो यहां पर जितने भी है डिडक्शन सभी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है,
यहाँ पर उसका आप इस तरीके से भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो ताकि पता चलेगा कि भाई इतने इतनी जगह पे हमने डिडक्शन किया हुआ है। ये जस्ट आपको चेक करने के लिए कि डिडक्शन कौन कौन सी जगह पे हुआ है। ओके, सो दिस वन इज फॉर ब्रिक वर्क फॉर द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वॉल्स। नाउ नेक्स्ट वी विल बी डिस्कस अबाउट द स्टरकेस। सो आई होप यू विल बी एंजॉय दिस वीडियोज एंड यू विल बी लर्निंग एज वेल। एंड इफ यू फील दैट दिस इज वेरी गुड फॉर बिगिनर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग और ऑल ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वेदर इट इज डिप्लोमा डिग्री और मास्टर्स, सो यू कैन फील फ्री टू शेयर विथ योर फ्रेंड सो दैट टेक कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट एज वेल। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड इफ यू हैव एनी स्टिल if you have any doubt or queries, you can feel free to ask in comment box as well. I will try to give the answer as soon as possible.